शांति। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है पॉजिटिव बनने की, इसलिए सबको अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव बनना चाहिए। आज के समय में जो भी समस्याएं हैं, तकलीफ है अथवा कोई दुख है, रोग है, उनमें लगभग 90% समस्याओं का कारण आज व्यक्ति की वृत्ति जो है वो नेगेटिव बन चुकी है। आज ऐसी वृत्ति है जैसे कि जो दुखी लोग है उसके लिए कहा जाएगा कि भाई तीन प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे हैं जो अपने दुख से दुखी है, दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, परंतु तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सुख के कारण दुखी होते हैं। तो ये हैं नकारात्मक वृत्ति वाले लोग। तो आज देखा जाएगा कि समग्र समाज के अंदर, संसार के अंदर, परिवार के अंदर, जिस परिवार के अंदर नेगेटिव वृत्ति वाले लोग रहते हैं वहां सारा दिन झगड़ा फसाद होते रहते हैं और घर में अशांति ही बनी रहती है और इस अशांति के कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। परिस्थिति का परिवर्तन करना हमारे हाथ में नहीं है, परंतु परिस्थिति कैसी भी हो अपने एटीट्यूड का, अपनी वृत्ति का परिवर्तन करना हमारे हाथ में है। एक बार ऐसे हुआ कि एक शूज की कंपनी थी और उसने एक गांव के अंदर सर्वे करने के लिए दो ऑफिसर को भेजा। दोनों एक के बाद एक वो गांव में जाकर के आए और अपने बॉस के साथ डिस्कस करते हुए अपना विचार बताया। एक ने बताया कि सर वहां पर तो हमें मार्केट बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऐसा गांव है जहां कोई जूते पहनते ही नहीं है। उसके बाद दूसरा आया और उसने कहा कि सर वहां बहुत मार्केट है क्योंकि वहां कोई जूते पहनते ही नहीं है। तो परिस्थिति सेम थी, परंतु उसके प्रति का जो अभिगम था, उसके प्रति देखने की जो दृष्टि थी वो अलग अलग थी। एक ने नेगेटिव लिया, दूसरे ने पॉजिटिव लिया। तो हमारे जीवन के अंदर भी परिस्थिति भिन्न भिन्न आती है, परंतु उस परिस्थिति के अंदर कैसे व्यवहार करना वो हमारे हाथ में है। आज आवश्यक ये है कि सामने वाला कैसा व्यवहार करता है वो नहीं देखना है। पहले हम मानते थे कि जैसे के साथ वैसा, परंतु अभी ऐसा नहीं है। कोई कैसा भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, चाहे वो गाली भी दे, तो भी हमें पॉजिटिव व्यवहार करना बहुत जरूरी है। उससे ही व्यक्ति का भी परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए देखेंगे, एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति के बाजू में एक नया पड़ोस रहने के लिए आ गया। तो वो व्यक्ति ने अपने घर का सारा कचरा वो बाजू वाले के आंगन में डाल दिया। अब उनको था तो सही कि वो बाजू वाला बोलेगा तो सही, गुस्सा तो करेगा। रात को वो उनके घर आया और उसने उसका दरवाजा ठीक ठीक आया। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, कहा क्या है? तो वो बाजू वाला जो पड़ोसी था वो एक फलों का बास्केट भर करके लाया था। उनको तो आश्चर्य लगा, उनको अपने मन में शर्म आने लगी। कहा कि ये क्या है भाई साहब? तो बोला ये हमारी तो फलों की वाड़ी है और उसके कारण मैं फलों को लेकर के आया हूँ आपको देने के लिए। कहा हाँ, जिसके पास जो होता है वही देता है ना। आपके पास कीचड़ा था, आपने कीचड़ा डाला, मेरे पास फल है तो मैं फल की टोकरी लेके आया हूँ। तो वो शर्म के मारे अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया, उनका अभिगम भी बदल गया। तो एक व्यक्ति जब सकारात्मक बनता है, परिस्थिति कैसी भी हो, सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, परंतु वो खुद अगर सकारात्मक बनता है तो सकारात्मक सोच में इतनी शक्ति है कि वो सामने वाले को भी सकारात्मक बना सकता है। ये कहना आसान है, परंतु हाँ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के संस्कार बने हुए हैं, बहुत समय के संस्कार है। उसको बदलने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत है समझ, ज्ञान और योग।
ज्ञान अर्थात ये समझने की बात है कि जितना हम नकारात्मक बनते हैं उसका नुकसान सामने वाले के बदली हमारा खुद का ही नुकसान होता है, और इसीलिए हमें मेहनत करके पुरुषार्थ करके अपनी वृत्ति को बदलना चाहिए। बदलना आसान नहीं है, इसीलिए उसका उपाय जो है वो है मेडिटेशन अथवा ध्यान। जितना हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उतना उतना हमारा मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मक बनता जाता है और शक्तिशाली बनता जाता है। इसीलिए फिर हम कैसी भी परिस्थिति में सकारात्मक अभिगम रख सकते हैं, व्यवहार भी सकारात्मक बन सकता है, और अपने आप में सकारात्मक बनना वो सेवा ही है। जितना व्यक्ति सकारात्मक खुद बनता है उतना वो अपने आजू बाजू भी सकारात्मक वाइब्रेशंस प्रकंपन फैला सकता है, और इसी कारण हम समाज को संसार को सुखदायी बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज से प्रण कीजिए कि हमें सकारात्मक बनना है, मन में पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और सबके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाना है। ओम शांति।